खंडवा जिले के ग्राम छैगांव माखन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि खंडवा लोकसभा में 19 मई को मतदान होना है। अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमारा देश गलती माफ करता है, लेकिन झूठ और विश्वासघात को कभी माफ नहीं करता। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को मतदान के तीसरे चरण में ही अंजाम का पता लग गया है। किसानों के कर्ज माफी पर तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी बोले कि कांग्रेस की झूठ और वादा खिलाफी की यह जीती जागती सच्चाई है। खंडवा जिले से हीरालाल लोंगरी की रिपोर्ट। क्योंकि हमारा देश गलती माफ करता है, झूठ और विश्वासघात को कभी माफ नहीं करता। यही इनके 70 साल से काम करने का तरीका है। तीसरे चरण के बाद उनका चेहरा देखा है कि नहीं देखा है? तीसरे चरण में ही पता चल गया उनका खेल। भाइयों बहनों, यहां कांग्रेस ने किसानों से उनका कर्ज माफ करने को कहा था ना? क्यों ठंडे पड़ गए आप लोग? कांग्रेस ने कर्ज माफ करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? 10 दिन में कर्ज माफ करने का कहा था कि नहीं कहा था? 1 से 10 की गिनती मध्य प्रदेश को सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? और सीएम ने मतलब कर्ज माफ नहीं तो सीएम को माफ नहीं करने का कहा कि नहीं कहा? 10 दिन पूरे हो गए क्या? 20 दिन हो गए? 40 दिन हो गए? 80 दिन हो गए? 120 दिन हो गए? हुआ क्या? किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? कांग्रेस ने झूठ और वादा खिलाफी की ये जीती जाती सच्चाई। देश की रक्षा की बात करोगे, देश के विकास की बात करोगे, आदिवासियों के कल्याण की बात करोगे, दलित पीड़ित शोषित वंचित का भला करने की बात करोगे, उनको प्रेम से मतदान बूथ पर ले जाओगे, उनका मतदान करवाओगे, जलपान